नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट लाइन गुरु के प्री मैच एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बिग बैश लीग के 16th मैच को, जो खेला जाएगा ब्रिस्बेन हीट और हॉबर्ट हरिकेन्स के बीच द गबा ब्रिस्बेन में। भाई दोनों टीम्स की करंट सीजन में अभी तक की कहानी कैसी चल रही है, आइए सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हॉबर्ट हरिकेन्स जो है वो थर्ड नंबर पे बैठी हुई है, मैचेस 4 खेले हैं, 3 जीती है, 1 हारी है, पॉइंट्स है इनके 11 और नेट रन रेट भी इनका काफी अच्छा है +0.489 का। वहीं दूसरी तरफ ब्रिस्बेन हीट सबसे नीचे बैठी हुई है, 3 मैचेस खेले हैं, 3 हारे हैं, पॉइंट्स हैं इनके 1 और नेट रन रेट -0.680 का है। तो भाई एक तरफ है हरिकेन्स जो कि काफी फ्रेश और सेटल्ड लग रही है, तो दूसरी तरफ है ब्रिस्बेन जिसको अब भी पहली जीत की दरकार है। ऐसे में आखिर कौन सी टीम इस मैच को जीतकर पॉइंट्स टेबल में ऊपर छलांग लगाएगी, आइए हेड टू हेड कंपैरिजन से लेकर वेन्यू एनालिसिस, टीम एनालिसिस, की प्लेयर्स और प्रोबेबल प्लेइंग 11 को अपने इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो भाई लोग, हरिकेन्स और ब्रिस्बेन में आखिर किसका पल रहा अभी तक भारी रहा है, आइए फटाफट से दोनों टीम्स का हेड टू हेड कंपैरिजन कर लेते हैं। भाई दोनों टीम्स के बीच 16 मैचेस खेले गए हैं, जहां पे 10 मैचेस हॉबर्ट हरिकेन्स जीती है और 6 मैचेस ब्रिस्बेन हीट ने जीते हैं। हाईएस्ट स्कोर हरिकेन्स का रहा है 210 रन, तो वहीं हाईएस्ट स्कोर ब्रिस्बेन हीट का रहा है 212 रन। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो यहां हरिकेन्स का रहा है 126 रन और ब्रिस्बेन हीट का रहा है 131 रन। एवरेज स्कोर हरिकेन्स का रहा है 177 रन, तो वहीं ब्रिस्बेन हीट का रहा है 175 रन। अब इन स्टैट्स को देखकर तो साफ साफ कहा जा सकता है कि अभी तक के मुकाबलों में हॉबर्ट हरिकेन्स का ही दबदबा कायम है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और वेन्यू के हाल पिच की चाल पर गौर फरमा लेते हैं। भाई लोग, बीबीएल का ये 16th मैच खेला जाएगा द गबा ब्रिस्बेन में। करंट सीजन में ये गबा का दूसरा मैच है, जहां मौसम खुला रहेगा और बारिश के चांसेस भी ना के बराबर रहेंगे। पिच की बात करें तो भैया गबा पर बाउंस और पेस दोनों ही मिला है, जो कि पेसर्स को काफी फेवर कर रहा है। साथ ही यहाँ आउटफील्ड लंब बड़ी है, इस फैक्टर के जुड़ने से स्पिनर्स को भी काफी फायदा मिल सकता है। अब यहां खेले गए सभी T20 मैचेस के रिकॉर्ड्स पे गौर करें तो टोटल अभी तक 40 मैचेस खेले गए हैं, जहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 18 बार जीती है और रन चेस करने वाली टीम 21 बार जीती है और एक मैच टाई रहा है। एवरेज स्कोर पहली बैटिंग करने वाली टीम का रहा है 164 रन। हाईएस्ट स्कोर देखें तो वो रहा है ब्रिस्बेन के नाम, 209 रन 3 विकेट पर। वहीं लोएस्ट स्कोर भी ब्रिस्बेन हीट के नाम ही रहा है, 109 रन 4 विकेट पर। स्कोरिंग पैटर्न की दोस्तों यहां पे बात करें तो बिलो 150 का जो स्कोर है वो 12 बार बनाया जा चुका है, 150 से 169 का स्कोर 9 बार बनाया जा चुका है, 170 से 189 का स्कोर 11 बार बनाया जा चुका है और अबव 190 का स्कोर 8 बार बनाया जा चुका है। इन सभी स्टैट्स को जानने के बाद टॉस प्रिडिक्शंस पे जाएं तो दोस्तों टॉस क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है, जहां पिच को देखते हुए चेस करना डिफिकल्ट होगा और टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 से 160 के आसपास का टारगेट स्कोरबोर्ड पर रखना जरूर चाहेगी। अब यहां स्टैट्स और रिकॉर्ड्स की जानकारी साझा करने के बाद चलिए टीम्स को भी एनालाइज कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं ब्रिस्बेन हीट से। भैया इनकी हालत तो पहले से ही काफी टाइट लग रही है, जिस पर टीम को एक और बड़ा झटका क्रिस लिन के रूप में लगा है, जो फिलहाल इंजरी के चलते लास्ट मैच में बाहर थे एंड मोस्ट प्रोबेबली इस मैच में भी अवेलेबल नहीं होंगे। 3 मैचेस में बिना किसी जीत के हीट साफ तौर पर अपनी खराब बैटिंग को दर्शा रही है। वैसे देखा जाए तो शॉन हेजलेट, मैक्स ब्रायंट, टॉम कूपर, डैनियल लॉरेंस और जिमी पियर्सन जैसे प्लेयर्स से सजी ब्रिस्बेन ऑन पेपर तो काफी स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन अभी तक इनमें से किसी भी प्लेयर ने दमदार पारी नहीं खेली है। बात करें इनके बॉलिंग अटैक की तो इस डिपार्टमेंट में ब्रिस्बेन कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रही है, जहां जैक वाइल्डरमट, जेवियर बार्टलेट और मार्क केट की तो हाल फिलहाल कई सफलताएं मिली हैं, लेकिन यहां भी टीम 100% नहीं दे पाई है। बेन लॉफलिन लगातार खर्चीले साबित हो रहे हैं, जो कि टीम मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। बात करें हॉबर्ट हरिकेन्स की तो भाई लोग, इनकी परफॉर्मेंस में अभी तक कोई बड़ी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। देखा जाए तो लास्ट 2 मैचेस में शानदार पारियां खेलकर 135 रन बनाने वाले बेन मैकडरमॉन्ड उम्दा फॉर्म में चल रहे हैं और यहां टीम को कॉलिन इनग्राम का भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, जो कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं और 4 मैचेस में 145 रन ठोक चुके हैं। यही नहीं, डार्सी शॉट
टिम डेविड और पीटर हैम्सकम ने भी समय समय पर हाथ खोले हैं, लेकिन टीम को अगर आगे की राह आसान करनी है तो इनके बल्लों से और ज्यादा रन्स निकलने की जरूरत है। बात करें हरिकेन्स के बॉलिंग अटैक की तो दोस्तों पिछले 4 मैचेस में इन्होंने कुल 25 विकेट्स चटकाए हैं, जो कि ऑन एन एवरेज एक डिसेंट फिगर है। स्पेसिफिकली देखें तो जेम्स वॉकनर टीम के सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं, जिन्होंने हर मैच में ऑपोजिशन को परेशानी में डाला है और 8 विकेट्स अपने नाम किए हैं। रायली मेरेडिथ और नथान एलिस भी कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूट करते रहे हैं और दोनों के खाते में 5-5 विकेट्स शामिल हैं। तो अब भाई इन सभी बातों को डिस्कस करने के बाद टीम्स के संभावित 11 खिलाड़ियों पर भी गौर फरमा लेते हैं। ब्रिस्बेन हीट की ओर से खेल सकते हैं जिमी पियर्सन, मैक्स ब्रायंट, लुइस ग्रेगरी, सैम हेजलेट, डेनियल लॉरेंस, जैक वाइल्डरमट, टॉम कूपर, मैक्स टेकेटकी, जेवियर बार्टलेट, बेन लॉफलिन और मुजीबुर रहमान। वहीं दूसरी ओर हॉबर्ट हरिकेन्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 में हो सकते हैं पीटर हैंडसकॉम, बेन मैकड्रोमोट, दाविद मिलान, डार्सी शॉट, कॉलिन इनग्राम, टिम डेविड, जेम्स फॉकनर, कीमो पॉल, स्कॉट बोलेंड, नथान एलिस और रायली मेरेडिथ। तो भाई लोग ये था BBL के 16 मैच का फुल प्रूफ एनालिसिस, जहां हमने अपनी तरफ से सभी इंपॉर्टेंट पहलुओं को कवर करने की कोशिश की है। ओवरऑल कंपैरिजन के हिसाब से तो दोस्तों हरिकेन्स का पलड़ा भारी रख रहा है, लेकिन यहां पे आपके क्या विचार हैं इस मैच के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर हाजिर होंगे BBL के एक और प्री मैच एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें क्रिकेट लाइन गुरु के साथ।